अरे इस बेचारे को क्यों पकड़ लाए? कसके बांधो? देखिए ये कोई पुलिस वाले नहीं है, ऐसे ही वर्दी पहनकर निकल पड़ते हैं बेचारे। गांठ लगाओ। अरे ये टीवी सीरियल के एक्टर हैं। हाँ पता है तुम्हारी कमरे में टीवी नहीं है ना, इसीलिए एक टीवी एक्टर को उठा के लाए हैं। अब बैठ कर देखती रहना टीवी सीरियल। सुनिए बहन जी, मैं सचमुच जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ। अब रहने दीजिए, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लीजिए अपना। नहीं नहीं, आप मेरी बात समझिए बहन जी, ये गैंग वाले लोग आपके ऑपरेशन का बहाना बनाकर विश्वास को कोई गलत काम करने पर मजबूर कर रहे थे, तभी वो सीधा मेरे पास आया। अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा सर। तुम एक काम करो विश्वास। ये सर। जैसे गुंडप्पा ने कहा है, तुम वो सीढ़ी लेकर उसे दे दो। आप भी उनसे कुछ लेते हैं क्या? ओह शट अप, मैं चाहता हूं कि तुम गुंडप्पा का गैंग ज्वाइन करो। तब तो आप पक्का लेते हैं। ए, सिट अप। मेरे दिमाग में एक प्लान है जिससे हम गुंडप्पा और उसके गैंग को जड़ से उखाड़ सकेंगे, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये सीढ़ी का काम करके तुम उसकी गैंग में घुस जाओ और गैंग के अंदर रहकर सारा इन्फॉर्मेशन। मैं समझ गया सर, जैसे डॉन पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने किया था वैसे ही ना सर? हाँ वैसे ही। और ऐसा करने से वो लोग तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करवा देंगे, उनका इलाज हो जाएगा और गैंग में रहकर तुम पुलिस का काम करोगे। पुलिस के लिए काम करूंगा सर। मेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी सर, बहुत खुश हो जाएगी। बहन जी, आपकी खुशी के लिए विश्वास पुलिस का ये काम करने के लिए तैयार हुआ। इस काम में तुम्हारे हाथों दो पुलिसमैन मारे जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं सर? झूठ मूठ, नकली गोली, नकली मौत। इससे गुंडप्पा को तुम पर पूरा यकीन हो जाएगा और वो तुम्हें मारेगा नहीं, गैंग में रख लेगा। क्या सोचते हैं सर आप? आपकी शक्ल देखकर कोई नहीं बोल सकता कि आप इतना अच्छा सोच सकते। थैंक यू। क्या बोला? जाता हूं सर। अरे रुको, आप क्या है सर? विश्वास ये घड़ी रखो, किसी भी एक घड़ी का ये बटन दबाने से दूसरी घड़ी में लाइट ऑन हो जाएगी, उसके बाद हम दोनों चाहे जहां भी हो एक दूसरे से बात कर सकेंगे इस वॉच फोन के जरिए। अब देखो मैं बात करता हूं, तुम सुनो। सर। हेलो विश्वास, मैंने तुम्हें हमारी पुलिस के सीक्रेट एजेंट का काम दिया है। ये काम तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ करना होगा। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? बिल्कुल सर, साथ ही में तो सर। अरे वहां खड़े होकर ये वॉच फोन पे सुनना था, इडियट। कहां जा रहे हो? वहां खड़े रहकर सुनने के लिए जा रहा हूं सर। विश्वास। सर तुम ये काम कर तो पाओगे ना? बिल्कुल सर, फर्स्ट क्लास करूंगा सर। ठीक है, तुम ये फोन रखो। थैंक यू सर, मेरे पास फोन है सर। ये फोन बात करने के लिए नहीं है। ये फोन का ये बटन दो बार दबाने से एक ऐसी रोशनी चमकेगी कि आसपास खड़े सारे लोग आधे मिनट के लिए अंधे हो जाएंगे। ओ तेरी। मुसीबत में ये तुम्हारे काम आएगा। क्या बात है सर, आपने तो मुझे जेम्स बॉन्ड बना दिया सर। अभी ये बटन क्यों दबा दिया? सर टेस्ट कर रहा था सर। टेस्ट तो मुझे बता के करते, मैं आंखें बंद कर देता। अब सुनो। ना सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। अरे सुनने के लिए आंख नहीं कान चाहिए। कान है सर, कान है। हाँ तो देखो। अरे दिखाई तो नहीं दे रहा है सर। अरे मेरे बाप, सुनो और समझो। हाँ सर। ये सीक्रेट कि तुम पुलिस फोर्स के लिए काम कर रहे हो, ये तुम किसी को नहीं बताओगे, अपनी माँ तक को नहीं। क्यों सर? अरे गैंग वालों को पता चला तो वो तुम्हें गोली मार देंगे। हाईला। और पुलिस से मुठभेड़ हुई तो वो भी तुम्हें जान से मार देंगे। हुई माँ, लेकिन क्यों सर? मैं तो पुलिस के लिए काम करता हूँ ना सर। अरे हाँ, लेकिन ये सच तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट नहीं जानती ना। आंखें आ गई। कहाँ है तू? सर, ये बात कि मैं पुलिस में काम करता हूँ, आप कहीं लिख के सेफ जगह रख दीजिए सर। क्यों? सर क्योंकि बीच में अगर आप कहीं टपक गए तो मैं तो लटक जाऊंगा ना सर। डॉन पिक्चर में अमिताभ बच्चन को बहुत प्रॉब्लम हुई थी सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लिख दूंगा। लेकिन अब तुम जाओ और होशियारी से अपना काम करो। गुड लक। मेरा विश्वास पुलिस के लिए काम कर रहा है। आप सच कह रहे हैं कमिश्नर साहब? 100% सच। नहीं नहीं देखिए बहन जी, नहीं रोइए मत। देखो विश्वास को आपकी बहुत चिंता लगी रहती है, अब आप परेशान मत होइए।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे देवी माँ, मेरा विश्वास जो काम करने निकला उसे सफलता देना।